First blood. हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग 0.1 सेकंड फास्ट ग्लू वॉल टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं विथ हैंड कैप। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप लोग फास्ट ग्लू वॉल लगाना चाहते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो। ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता गाइस आज मैं, मेरा थोड़ा तबियत खराब है, तो प्लीज आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेना गाइस। एंड इस वीडियो का लाइक एम रख रहे 38 के लाइक। उम्मीद है आप लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे एंड एक दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। अभी 2-3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है गेम के अंदर, FFIC द अरीना करके लिखा हुआ है इधर राइट साइड में, तो आप लोग रजिस्टर करना एंड एक ट्राई जरूर करना गाइस, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस वीडियो की तरफ। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इधर 3 बटन दिख रहा है लेफ्ट में एंड राइट में, 3-3 करके 6 बटन, ये 6 बटन का काम है गाइस सीटअप ग्लू वॉल लगाने के लिए गाइस, ठीक है। एंड सीटअप ग्लू वॉल अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आप बहुत तेजी से ग्लू वॉल लगा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको ये 3 बटन को आस पास रखना पड़ेगा। एक तो है राइट फायर बटन, जंप बटन एंड बैठने वाला बटन, एंड दूसरे साइड पे रन बटन, लेफ्ट फायर बटन एंड ग्लू वॉल बटन। ये 6 बटन की मदद से आप जो है सीटअप ग्लू वॉल बहुत तेजी से मारोगे लाइक PC प्लेयर जैसा, ठीक है। तो करना क्या है आपको गाइस, देखो आपको सबसे पहले आपका जो राइट फायर बटन है उसको गाइस ऊपर की साइड पे एकदम ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको तुरंत जो एम है गाइस उसको नीचे लाना है, मतलब फायर करने के बाद आपका जो राइट फायर बटन है उसको छोड़ना नहीं है, उसको एकदम नीचे लाना है। एंड ये मैंने पहले भी बताया था बट फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे कॉमेंट कर रहे हैं कि मेरे को सीटअप नहीं आता, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। बस सबसे पहले आप ये सीख जाओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप ग्लू वॉल के स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, ग्लू वॉल कैसे आप 1 सेकंड के अंदर 2-3 ग्लू वॉल लगा सकते हो गाइस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस पे क्या करना है, आपको फायर करना है, उसके बाद आपको वही फायर बटन को एकदम नीचे लाना है। जैसे ही नीचे लाओगे आपका एम भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको ग्लू वॉल पे दबा के बैठने वाले बटन पे दबा के लेफ्ट फायर बटन पे दबा के रन करना है गाइस, ठीक है। इससे आपका ग्लू वॉल एकदम पैर के पास ही गिरेगा। ये गाइस बहुत ईजी है 2 फिंगर वालों के लिए, बस आपको 6 बटन का ध्यान रखना है एंड आस पास रखना है 6 बटन को गाइस, तभी आप जो है इतनी स्पीड से ग्लू वॉल लगा पाओगे लाइक PC प्लेयर जितना स्पीड से। एंड ट्रिक तो मैंने बता दिया आप लोगों को सीटअप कैसे करते हैं, अगर फिर भी आप लोगों को पता नहीं चला तो आप स्लो मो करके देख लो। अभी मैं बताता हूं आपको स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो आप ग्लू वॉल का। तो देखो सबसे पहला ट्रिक जो है गाइस वो है रेट ऑफ फायर, मतलब आपके पास कोई से भी डबल रेट ऑफ फायर वाला गन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप MP40 ले लो एंड वन शॉट करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब एक गोली चलाओ उसके बाद ग्लू वॉल लगाओ तुरंत, ठीक है। एंड जितनी ज़्यादा स्पीड से आप इस चीज़ को करोगे उतनी तेज़ी से आप जो है ग्लू वॉल लगा पाओगे। ये आपका ग्लू वॉल लगाने का स्पीड के पीछे का बहुत बड़ा राज है। आपको डबल रेट ऑफ फायर वाला गन लेना है एंड वन शॉट करके ग्लू वॉल लगाना है गाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं डबल रेट ऑफ फायर वाला ऑग के साथ कर रहा हूँ, मेरा एक ही गोली लग रहा है। पहले पहले आपका 2 गोली लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना स्पीड को इंक्रीज करोगे गाइस, ठीक है। आप डबल रेट ऑफ फायर वाला गन के साथ ट्राई करना किसी भी कस्टम रूम के अंदर। उसके अलावा गाइस देखो आप ट्रेनिंग पे आ जाना, ट्रेनिंग पे आने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं है, ग्लू वॉल नहीं लेना, आपको लेना है फ्लैश बैंक या फिर ग्रेनेड। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ गाइस वन शॉट का, उसी तरह से आपको ट्राई करना है वन शॉट का। आपका जो ग्रेनेड होगा वो खत्म नहीं होगा, मतलब वो ग्रेनेड आपके हाथों के बाहर नहीं जाए, आपको बस करना कुछ भी नहीं है। जैसे आप सीटअप ग्लू वॉल लगाते हो उसी तरह से आपको सीटअप ग्रेनेड लगाना है गाइस, ठीक है। एंड आप अनलिमिटेड टाइम जो है इस चीज का प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे वन शॉट भी मार रहा हूँ एंड सीटअप ग्लू वॉल का भी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे सीटअप ग्लू वॉल का ट्राई हो रहा है गाइस, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा सीटअप ग्लू वॉल का प्रैक्टिस भी हो रहा है एंड ऊपर से मेरा वन शॉट भी अच्छा हो रहा है गाइस। इस चीज को आपको जरूर से प्रैक्टिस करना होगा ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, तभी आपका ग्लू वॉल का स्पीड इंक्रीज होगा एंड आप ग्रेनेड के मदद से ग्लू वॉल का प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ रहे हो गाइस। एंड अगर आप लोग चाहो तो 2 ग्लू वॉल जो मिलता है उस ग्लू वॉल से भी कर सकते हो, बट वो ग्लू वॉल खत्म हो जाएगा। बट अगर आप लोग ग्रेनेड के मदद से करोगे तो आप अनलिमिटेड टाइम जो है इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। तो मैं तो कहूँगा गाइस ग्रेनेड से ही करो, क्योंकि ग्रेनेड से करोगे तो आप अनलिमिटेड टाइम कर पाओगे बहुत, जितने ज़्यादा टाइम करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ सेट होगा गाइस, ओके।
सो अभी बताते गाइस 360 डिग्री ग्लू वॉल आप कैसे लगा सकते हो एंड 360 डिग्री ग्लू वॉल का काम क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो 360 डिग्री ग्लू वॉल आप तब लगाते हो जब आपको कोई पीछे से डैमेज देता है, उस टाइम पे आप तुरंत जो है 360 डिग्री घूम के पीछे के साइड पे ग्लू वॉल लगा सकते हो एंड उस एनिमी से बच सकते हो। तो 360 डिग्री ग्लू वॉल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे देखो मैं यहाँ पे अपना स्किन को चारों तरफ घुमा पा रहा हूँ, तो इस तरह से जो है आप चारों तरफ घुमाओगे तो आप 360 डिग्री ग्लू वॉल इजीली मार पाओगे, है ना। सो सबसे पहले इसके लिए गाइज आपका जो लेफ्ट फायर बटन है उसको ऑलवेज पे होना चाहिए, तभी आप जो है 360 डिग्री ग्लू वॉल इजीली लगा पाओगे। एंड उसके साथ साथ आपका जो जनरल सेंसिटिविटी है उसको 100 करना होगा, ठीक है, तभी आप जो है इजीली चारों तरफ घुमा पाओगे अपने स्किन को एंड इजीली चारों तरफ जो है ग्लू वॉल लगा पाओगे गाइज। कुछ इस तरह से जैसे देखो मैं चारों तरफ ग्लू वॉल लगा सकता हूँ गाइज, ठीक है। बस ये सेंसिटिविटी का खेल है और कुछ काम नहीं है यहाँ पे। आपको बस क्या करना है, आपको लेफ्ट फायर बटन से फायर करना है मतलब ग्लू वॉल लगाना है एंड राइट जो थंब है उससे आपको एम करना है एंड आपका जो सेंसिटिविटी है वो तो आपको घुमा ही रहा है चारों तरफ। एंड देखो अभी मैं किस तरह से जो है पीछे के साइड पे ग्लू वॉल लगा रहा हूँ एंड अगर मेरे को कोई पीछे से डैमेज देता तो मैं इस तरह से जो है ग्लू वॉल लगा के पीछे आ जाता गाइस, ठीक है। एंड उस बंदे को मैं जो है काफ़ी टाइम तक भगा सकता था। 360 डिग्री ग्लू वॉल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको गाइस 360 डिग्री ग्लू वॉल सीखने के लिए लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज करना पड़ेगा एंड सिटअप ग्लू वॉल के लिए भी लेफ्ट फायर बटन चाहिए, तो लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज कर लो गाइज एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली जो है मार पाओगे किसी को भी। तो ये बात करते हैं यहाँ पे राउंड ग्लू वॉल आप कैसे मार सकते हो। तो देखो राउंड ग्लू वॉल मारना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस एक सिंपल सा ट्रिक आपको फॉलो करना है, वो है गाइज आपको करना कुछ भी नहीं है। आपका जो लेफ्ट फायर बटन है उसको गाइस 3 बार क्लिक करना है, ठीक। जैसे ही आप वन शॉट मारोगे वैसे ही आप जो है बैठोगे सिटअप ग्लू वॉल के लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप ग्लू वॉल पे दबाओगे आपको लेफ्ट फायर बटन से ग्लू वॉल पे 3 बार टैप करना है एंड राइट जो थंब है आपका उससे गाइस आपको राइट में ड्रैग करना है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा राइट में ड्रैग करना है, इससे आप जो है इजीली चारों तरफ ग्लू वॉल लगा सकते हो अपने एंड बहुत इजी है ये। आपको जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे कितनी इजीली राउंड ग्लू वॉल लगा पा रहा हूँ, तो आप लोग भी गाइस प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप बैठोगे सिटअप ग्लू वॉल करने के लिए वैसे ही आपका लेफ्ट फायर बटन से 3 बार ग्लू वॉल पे दबाना है एंड उसके बाद राइट जो थंब है उसको राइट में ड्रैग करना है गाइस, ठीक है। बस हल्का हल्का करके ड्रैग करना, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप स्पीड से कर सकते हो गाइस। बस यही था गाइस आज का टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी जल्दी 2 मिलियन करना है एंड लाइक कर देना गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो में, ठीक है। तो मिलते गाइस अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय गाइस।